नमस्कार, सभी नीट एस्पिरेंट्स और व्यूअर्स का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। पेंडेमिक में एग्जाम्स को लेकर असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। ऑपोजिशन पार्टी रूल्ड 6 स्टेट्स के मिनिस्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट से नीट और जेईई जैसे एग्जाम्स करवाने के डिसीजन को रिव्यू करने के लिए कहा है। यह पिटीशन जजेस के समक्ष आज आएगी। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर परीक्षा को पोस्टपोन करने की विभिन्न दलीलों के बावजूद अदालत ने यह कहते हुए पोस्टपोन करने से इनकार कर दिया था कि छात्रों के भविष्य को खतरे में नहीं डालना चाहिए। हालांकि जेईई की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए जेईई मेंस मंगलवार को आयोजित की गई, जिसमें हजारों छात्र कोरोना वायरस के लिए सख्त सावधानियों के बीच बैठे। मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन नीट 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। जेईई मेन में लगभग 8.58 लाख स्टूडेंट्स ने और नीट के लिए लगभग 15.97 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया। दो बार एग्जाम्स पोस्टपोन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को 11 छात्रों की एग्जाम्स को पोस्टपोन करने की याचिका खारिज कर दी थी। फ्लड्स और लॉकडाउन जैसे मुद्दों का हवाला देते हुए स्टूडेंट्स ने थर्ड पोस्टपोनमेंट की डिमांड करी थी। कई स्टेट्स और मिनिस्टर्स ने उनकी मांग का समर्थन किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद ऑपोजिशन पार्टी द्वारा रूल्ड 6 स्टेट्स बंगाल, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर्स ने लास्ट वीक कोर्ट को अप्रोच किया और अपने डिसीजन को रिव्यू करने की मांग करी। बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि हमारा कर्तव्य है कि हम अपने छात्रों के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करें। महाराष्ट्र मिनिस्टर आदित्य ठाकरे ने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने पत्र की एक कॉपी ट्वीट की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि परीक्षा रद्द करने से संक्रमण में वृद्धि कम की जा सकती है। कांग्रेस के राहुल गांधी ने भाजपा की केंद्र सरकार पर छात्रों की दुर्दशा की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। हम आशा करते हैं कि सरकार जो भी डिसीजन लेगी छात्रों के हित में ही लेगी। आप अपनी परीक्षा की तैयारी पर इसका कोई प्रभाव न पड़ने दें। अपडेट्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।